देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। यूपी के कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर, लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक व्यक्ति को कानपुर देहात के थाना मंगलपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए व्यक्ति के पास से दो लूट के मोबाइल फोन व 15,000 रुपए एवं घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की। व्यक्ति के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। ये देखते हैं क्या कुछ कहा है कानपुर देहात पुलिस ने। संवाददाता देश मिश्रा की रिपोर्ट। जो आरोपी पकड़े गए, क्या है पूरा मामला, पुलिस किस तरीके से खुलासा कर रही है? देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात के कुशल नेतृत्व एवं पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के सफल पर्यवेक्षण में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में लूट के दो मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से दो मोबाइल लूट के बरामद हुए हैं और एक तमंचा बरामद हुआ और एक कारतूस, एक मोटरसाइकिल जो इसके द्वारा लूट किए जाने में यूज की जाती है। इसका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। मंगलपुर पुलिस द्वारा इसको पकड़ने में सफलता हासिल की गई है और इसको जेल भेज के अग्रिम विधि कार्रवाई नियम अनुसार की जा रही है। किस तरीके से लूट को अंजाम देते? ये अपनी बाइक पे बैठ के जाता था और देखता था रास्ते में जो भी इसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिला या कोई ऐसा मिला जो असावधान है और अपने उसको ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये झपट्टा मार के उसके मोबाइल छीन लेता था और अपनी बाइक से उसको बाइक से तेजी से भागता वो निकल जाता था। किस तरह के मोबाइल लूट ही करता था कि और भी चीज़ों? अभी तो यही बात प्रकाश में आई है और इसका और चीज़ें और देखी जांची जा रही हैं और इस पर और देखा जाएगा और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको जो है अवगत कराएगा। टीम में कितने लोग सामने? अभी तो फिलहाल एक ही की जानकारी मिली है जिसको नियमानुसार चलना है।